तो अभी मैंने इन लोगों को काम पे लगा दिया है। ये लोग बगैर काम के बैठे रहते दिन भर ना, ये यहाँ अपना काम कर रही है। डॉली ने आटा गुनाया, अब रोटी बनाएगी, रोटी बनाएगी। रोज ये लोग काम धाम छोड़ के चश्मा लगा के लहसुन चिल्ला जा रहे हैं। माय गॉड, इतने हेल्थ कॉन्शियस। हेलमेट लगा के कांदा काट रही है लड़की। आटा लेटेस्ट न्यूज है, अभी रोटी भी लेटेस्ट न्यूज होगा। छिलना नहीं होता, बस ऐसे खोल देना होता है, थोड़ा सा उसको रब कर देने का, मिक्सर जार में डाल देने का, ग्राइंड कर देने का, हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें अदरक के दो चार टुकड़े डालना। क्या तोड़ रही है, कितने टुकड़े डालने? तुम लोगों को रेडी कर रही हूँ, गाँव जाना है ना मुझे, तो तुम लोगों को पहले से बता दे रही हूँ कैसे कैसे खाना बनता है, कैसे क्या क्या होता है। तो मैं दे दूंगी तो कैसे पता चलेगा? हाँ तो ना, अरे गाँव जा रही हूँ, 8-9 दिन नहीं आऊंगी, फिर क्या होगा? क्या करोगे तुम? बाहर का खाना भी खा सकते हैं। बाहर का खाना नहीं, तेरे पापा को घर का खाना लगता है, तुम लोग बना के खिलाना। तुम लोगों का टेंशन नहीं ले रही हूँ, पापा का भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, मेरे बच्चे का टेंशन ले रही हूँ। उसको वो रहेगा, इधर ही रहेगा, तो खाना बनाना सीखो। और अभी मेरा एग्जाम है, तो मैं पहले एग्जाम ना पढ़ू, ये करती रहूं। तो ये भी आना चाहिए ना, सुबह उठ के तुम लोग फोन में घुस जाती हो, घर का कुछ काम क्या करो? कॉलेज में ये क्या आदमी पढ़ाई कर रहेगा करके, सुबह अलार्म लगाई थी किसी ने, तो ऑफ कर दिया मेरा अलार्म। अच्छा, मैं तो उठी नहीं थी, ऑफ कर दिया। नहीं, तेल मत डालो, सादा बनाओ। अभी उठी तो थोड़ा फ्री टाइम पास कर लूं, उसके बाद नाश्ता से करके फिर बैठूंगी पढ़ाई करने के लिए। ओह, पढ़ाई है मेरा। ओहो, कपड़ा ऐसा सुखाती है कि कपड़ा बोलता है जिंदगी में कभी सूखूंगा नहीं मैं, ऐसा सुखाती है। तो इसलिए अब तुझे सिखाना पड़ेगा कैसे काम किया जाता है। यस, मैं वैम्प हूं, थोड़ा स्लो रखने का, अभी रोटी तैयार नहीं हुई। पहले तो वो कपड़ा इसके नीचे रखने का, नहीं तो ये हिलता रहेगा। आटा गुन रही थी ना, इसके लिए रखी थी। क्या मैं कहूँ, क्या मेरे बाप बनने था। मैं स्ट्रेटनिंग कराने का सोच रही हूँ। क्या स्ट्रेटनिंग? क्यों ऐसा बात रहता है? आप बोलती हो कि झाड़ी नहीं है, बाल ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो स्ट्रेट रहेगा तो फिर टाइम झाड़ा हुआ ही रहेगा ना। ऐसा नहीं बोलेंगे लोग कि थोड़ा सा करवा रही, थोड़ा सा करवा रही, पूरा कर, पैसा देना पड़ेगा। मतलब मेरी बेटी को रोटी बनाने आता है, मैं तो ऐसे सोच रही थी कि कहीं भूल तो नहीं गई है। हम लोग उसका टैलेंट दिखाते नहीं, आपको सब नहीं है क्या? हमको नहीं आता है। अच्छा, टैलेंटेड बच्चे आपके? बच्चे किसके? नहीं रहेंगे अब, अभी साल भर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, अब साल भर तुम लोग से काम करवाऊंगी। ओह माय गॉड, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, तो क्या और करूं बस। अरे पर इधर जल क्यों रहता है, मेरे को नहीं समझ में आता है। अरे पहले डालो तो सही, मैं बताती हूँ ना, ऐसे कितना को? अभी ऐसे, पर वो बीच में से उठ गया ना, उसको फिर से अपने हाथ पे पलटी करो और फिर से उसको डालो। इसको ऐसे करने का, नाखून नहीं लगाने का, नहीं नहीं, अब ऐसे पलट देने का। एक साइड का पक चुका, तब तक दूसरा रोटी तैयारी करो अपना। ऐसे हटा दो मैडम, मैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने जा रही है। मैं डाली की तरह करके खाती हूँ। ए, तवे पे पानी पानी मत कर। इधर इसको चेक करते रहने का, जल तो नहीं रहा है, ऐसे देखने का, फिर ऐसे डाल देना। फिर उसके बाद में इधर ये दूसरा गैस भी चालू कर लेने का। क्यों? इसको सेकने के लिए कर दिया मैंने। अभी इसको ऐसा उठाने का और इस पर ऐसे डाल देने का। ओ, पक गई रोटी, बन गई। अब इसको स्लो कर दो थोड़ा सा और, इधर इधर थोड़ा थोड़ा मोटा रह गया है, बस हो गया। डालते रहते, रुको रुको, भगवान मैं तो डर के मर जाऊंगी, छोड़ मेरी बच्ची। ये लोग को खाना बनाना मैं क्या सिखा पाऊंगी? हाँ, मैं ही डरती रहती हूँ। हाँ, मैं रौद्र रूप रखती हूँ तेरे लिए। इतनी डरती है।
तो फिर चुड़ैल बन के जब खतरनाक चुड़ैल बन के तैयार होती है, अरे ऐसे नहीं मम्मा, तब मैंने कभी मैं तो ये काम कर रही थी। यस करेक्ट मेरा बच्चा करेक्ट। खुश किड्स होते हैं मम्मी के फेवरेट बच्चे, पापा की फेवरेट बन के दिखा। पापा की फेवरेट पापा की परी है तू, पापा तो लवली है, पापा की परी है तू। इतनी बड़ी पापा की परी देख लो, पापा की परी ऐसी रहती है, इतना बड़ा मग लेती है, उसमें चाय पीती है, कप में नहीं पीती है, तो पीने भी नहीं मग में पीती है। वैसे करो ना। अरे नहीं चेंज नहीं करते ना, ऐसे ही रखो, यहाँ पे सेकना है, फास्ट करो। ओहो जहाँ से भाप निकलता है ना वहाँ ध्यान रखने का, उस तरफ हाथ नहीं डालने का, हाँ नहीं तो हाथ जल सकता है। नहीं इसको सिंगाना बोलते हैं। ओ पर है ना इधर इधर थोड़ी मोटी मोटी हो जा रही है, तो इधर इधर ऐसा बेलो कि पतला पतला हो। पतली पतली अच्छी अच्छी रोटियाँ अच्छी दिखती है ना। मेरी बच्ची रोटी बना रही है, मेरे बच्चे आज काम कर रहे बहुत सारा, आज मैं डायन माँ बन गई हूँ। आज ही सिर्फ आज ही, क्योंकि कभी कभी गुस्सा आ जाता है मुझे, हे भगवान क्या सिर्फ आज ही बोल रही है। ए तेरे लिए डायन माँ हूँ। हाँ नहीं तेरे लिए ना, तेरे लिए ना, तेरा बाप बहुत अच्छा है ना, मैं डायन माँ हूँ ना। पापा भी मम्मी की तरह ही बनते जा रहे हैं, छोड़ा ही कहीं। उनका दिल ही जानता है कि वो ऐसे चिल्लाते हैं, समझ में नहीं आता ऐसे कौन चिल्लाता है, बताओ ऐसे कौन चिल्लाता है, चिल्लाते हैं तो ऐसा समझ में नहीं आता है, भूल गई आप लोगों को नहीं पूछा मैंने, आप लोग खा लीजिए, आप लोग बदले मैं ही खा लेती हूँ। मीठी मीठी लग रही है रोटी, मज़ा आ गया, चलिए मैं खा लेती हूँ, बाद में मिलते हैं। तो ये देखिए ये झूठी लड़की को देखिए, पढ़ाई कर रही है, देखिए फ़ोन कहाँ पढ़ाई कर रही है, ये फ़ोन में झूठ फूट की पढ़ाई करती है, झूठ तो टेक्नोलॉजी मम्मी सिर्फ झूठ बोलती है। अरे चुप बैठ झूठी, काम ना करना पड़े बस, मैं तो काम कर रही है, पढ़ाई कर रही हूँ, वैसे भी तो काम करवा रही है, पढ़ाई नहीं कर दे रही है। भगवान फोन में टेक्स्ट बुक देख लो, देख लिया देख लिया। डाल लिया फ्रिज का कवर, वॉशिंग मशीन का कवर, आज सब कुछ साफ कर डालूंगी, आज कुछ नहीं छोड़ूंगी, आज सब इधर जमा किया है पसारा पूरा, आज सब साफ करना है। अभी इतना सारा काम पड़ा सब करके फिर आप लोगों से मिलूंगी बाद में, बेचारी औरत अकेले कितना काम करना पड़ता है मुझको। और ये चॉकलेट अजय लेके आए थे, फ्रिज में रखा हुआ था, कल से लाके दिया है उन्होंने। सबसे लवली एकदम टेंशन में आ गई कि इसको कब खा के ख़त्म करना है। अभी जैसे घर का थोड़ा काम खत्म हुआ है, हम लोग बैठे आके, तो बोल रही तो चलो स्टार्ट करें ये चॉकलेट खाना। हेलो खा ले, तेरे अंदर राक्षसिन घुसी हुई है, खा ले, चॉकलेट वाली राक्षसिन घुसी है जो चॉकलेट खा के ही मानती है। आप लोग भी खाइए, अभी मुझे याद आ गया ना, पहले आप लोग खाइए फिर मैं खाती हूँ। इसके अंदर क्या है? रेड वेलवेट चॉकलेट। तो अच्छा लगता है अजय, मैंने हमेशा बताया अजय की चॉइस बहुत अच्छी है, मेरी चॉइस बहुत गंदी है। अजय
गजब भेज, मजा आ रहा है। ये कोई पूछ रही बात है, यहाँ ये मजे कर रही हैं, खाते खाते वीडियो बन रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी शाम हो चुकी है और शाम को मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। मैंने सोचा चलो सुबह से ऐसी बैठी हुई तो नहीं थी, बहुत सारा काम किया तो मैंने सोचा शाम को रेडी हो जाती हूँ। खिड़की पहले बंद करती हूँ नहीं तो मच्छर घर में घुस के खा जाएंगे हम लोगों को। अभी शाम हो गई, देखे शाम हुआ है ना, अच्छे से मेरे पौधों को अच्छी तरह से तोड़ लिया ना तुम लोगों ने। कौन सा लड़ाई तुम लोग लड़ रहे हो पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। बंद हो गया। अरे यहाँ पर देखिए ये सब सूख रहा है, सारा बेडशीट, सारा चद्दर, जो कुछ भी था यहाँ हॉल का, बेडरूम का, सब धो डाला है मैंने। सिर्फ ब्लैंकेट छोड़ा हुआ है क्योंकि ब्लैंकेट नहीं तो सूखेगा, नहीं तो रात को बहुत ठंड लगने वाली है। दिखा, ये ब्लैंकेट लेके मैं सोई हुई थी, अभी उठी हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम किया, थक गई तो सो गई थी। अब ये सब सूख जाएगा तो सब लगा दूंगी अच्छी तरह से। सब पूरा धोया हुआ है, अच्छे से साफ किया है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। कपड़ा धोने के बाद में मैं कंफर्ट डाल देती हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। रही मैं वीडियो बनाते हुए, आवाज़ मेरी हमेशा ख़राब हो जाती है। सबको साफ सुथरा करने के बाद में अच्छा लगता है ना, घर थोड़ा क्लीन लगता तो अच्छा लगता है। तो ये है मेरा लुक, आप लोगों ने देखा ही है कपड़ों में कई बार, तो आज मैंने फिर से इतनी सारी मेहनत की है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को सफल बनाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, शेयर कमेंट करके शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाती रहूं और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूं।